दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस माह में लगाई जाने वाली एक ऐसी फसल के बारे में जिसकी खेती अगर आप इस समय करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जा सकती है। आप उसको सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल भी कह सकते हो इस सीज़न की। अगर आप इस सीज़न में उस फसल को लगा लेते हो तो आने वाले दिनों में आपको उसके जो मंडी भाव हैं वो आपको 70 से 80 रुपये तक मिल जाते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उस फसल से उत्पादन सबसे ज्यादा लंबे समय तक मिलता रहता है, यानी करीब 7-8 महीने तक आपको उससे उत्पादन मिलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी उस फसल के बारे में आपको मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरी मिर्ची की खेती के बारे में। अगर दोस्तों आप हरी मिर्ची की खेती सही समय पर करते हैं तो हरी मिर्ची आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जा सकती है। हरी मिर्ची के बराबर कोई दूसरी फसल आपको जो उत्पादन है वो उसके बराबर नहीं दे सकती, यानी कि उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल भी आपको हरी मिर्ची को कह सकते हो, क्योंकि जो इसका उत्पादन है वो काफी शानदार मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। अगर आप इस समय हरी मिर्ची लगाते हो तो लगभग जुलाई अगस्त तक आपको हरी मिर्ची से उत्पादन मिलता रहेगा और इसके जो मंडी भाव हैं वो अगर आप इसकी अगेती खेती कर लेते हो समय पे, अगर आपको पैदावार मिलनी शुरू हो जाती है तो आपको हरी मिर्ची के जो मंडी भाव हैं तो शुरुआती दिनों में आपको 70-80 रुपए तक मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हरी मिर्ची आपको जो है सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जा सकती है अगर सही समय पर इसकी खेती की जाए। तो सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवंबर माह में आप इसकी जो है नर्सरी डाल सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप नवंबर माह में इसकी नर्सरी डाल लें। 20 नवंबर से पहले पहले ही आपको इसकी नर्सरी डाल लेनी है। अगर 20 नवंबर के बाद में आप नर्सरी डालते हैं तो जर्मिनेशन में काफी समय लग सकता है और आपकी फसल थोड़ी लेट हो सकती है। तो अगर आप हरी मिर्ची की अगेती खेती करना चाहते हैं और अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं और अच्छा मंडी भाव अगर आपको लेना है तो 20 नवंबर से पहले आपको इसकी नर्सरी डाल लेनी है। 20 नवंबर से पहले अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो इसकी नर्सरी डालने का बिल्कुल सही समय है। काफी किसान भाई मेरे से कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि सर हरी मिर्ची की नर्सरी अब हमें कब डालनी चाहिए। तो भाई 20 नवंबर से पहले अगर आप इसकी नर्सरी डालते हो तो काफी अच्छा समय है। मैंने भी इसकी नर्सरी अभी हाल ही में डाली है। आप भी अगर मिर्ची की खेती करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल सही समय है इसकी नर्सरी डालने का। अभी अगर आप नवंबर माह में इसकी नर्सरी डालते हैं तो आने वाले दिनों में लगभग 30 से 35 दिन में आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाती है। और उसके बाद में अगर आप प्लांटेशन दिसंबर माह तक आपका प्लांटेशन हो जाता है और उसके बाद में जो है फरवरी के एंड में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में आपको मिर्ची जो है वो अपनी पैदावार देनी शुरू कर देती है और उस समय आपको मिर्ची के अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं। इसके चलते आपका जो मुनाफा है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है अगर आप इस समय पर हरी मिर्ची की खेती करते हो। तो हरी मिर्ची की खेती करने का सही तरीका कौन सा है? अगर आप नवंबर माह में यानी कि सर्दियों में इसकी अगेती खेती करते हैं गर्मियों के लिए, आपको जो है बेड बनाकर और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च लगाकर इसकी खेती करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हरी मिर्ची से आपको शानदार उत्पादन मिले और लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता रहे तो आपको हरी मिर्ची की खेती थोड़े से अलग तरीके से करनी पड़ेगी। खाद और बेसल डोज जो है वो आपको थोड़े ढंग से डालने पड़ेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची का उत्पादन आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। लंबे समय तक अगर कोई फसल चलती है आपको उत्पादन देती रहती है तो जरूरी है कि बेसल डोज जो है वो आपको थोड़े ठीक से डालने पड़ेंगे। सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में डालनी पड़ेगी। 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। कच्चा गोबर आपको बिल्कुल नहीं डालना है, एकदम अच्छे तरह से कंपोस्ट हुई खाद ही आपको डालनी है। तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में बिखेर देनी है। दोस्तों गोबर की खाद डालने के बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन आपको पहले करने हैं और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको जो है बेसल डोज भी डाल देने हैं रासायनिक खाद उर्वरकों के। यहाँ पर आप 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से DAP ले सकते हैं, 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है और 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको MOP पोटाश ले लेना है। इन तीनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके अपने खेत में अच्छी तरह से आपको बिखेर देना है और उसके बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। बेड बनाने से पहले जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, अगर आप अपने खेत में बेड
बना रहे हैं, यानी कि बेड की अगर आपको अच्छी साइज लेनी है, अच्छे तरीके से अगर आपको बेड बनवाने हैं, तो आपको जो है मिट्टी को अच्छी तरह से 2-3 बार कल्टीवेशन करके भुरभुरा बना लेना है। मिट्टी में आपको ज़्यादा नमी नहीं रखनी है। अगर आप गीली मिट्टी में बेड बनवाएंगे बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से, तो ना ही तो आपके बेड की साइज अच्छी होगी, ना ही आपके बेड जो है वो अच्छी तरीके से बनेंगे। अगर आपको मिर्ची की अच्छी पैदावार लेनी है और अच्छे तरीके से बेड बनवाने हैं, तो आपको जो है 3-4 बार कल्टीवेशन करके और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाने के बाद और मिट्टी में जो है नमी कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद ही बेड बनाने हैं। यहाँ पर कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, और सर्दियों में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं लोटनल की सहायता से, तो कुछ किसान भाई 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाते हैं, जो कि काफ़ी कम स्पेस बचता है, क्योंकि लोटनल आप लगाते हो और 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाते हो तो आपका लोटनल सही से नहीं लगेगा, क्रॉप कवर को आप ठीक से नहीं लगा पाओगे, और ना ही हार्वेस्टिंग के समय आप बीच में इसमें जो है घूम फिर पाओगे। तो अगर आपको जो है तरीके से अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपके जो है वो 4 फीट होनी चाहिए, ताकि हार्वेस्टिंग के समय भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बेड की साइज जो है ऊपर से आपको थोड़ी चौड़ी रख लेनी है, जिससे आपके प्लांट्स की संख्या ऊपर थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, जिससे आपका स्पेस जो आप बीच में ज़्यादा छोड़ रहे हो वो कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाने के बाद में 25 माइक्रोन की जो है प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। भाई आपकी जो फसल है वो 8-10 महीने तक चलने वाली है। यहाँ पर अगर 15-20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अगर आप काम में लोगे, आपकी फसल लंबी चलेगी, और उतने लंबे समय तक आपकी जो हल्की क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च आएगी वो ठीक तरह से नहीं चल पाएगी, पहले ही फट जाएगी, और उसके बाद में फसल पूरी होने के बाद में अगर आप प्लास्टिक मल्च को निकालोगे तो वो ढंग से निकल भी नहीं पाएगी, छोटे छोटे टुकड़े आपकी ज़मीन में रह जाएंगे, इससे आपको अगली फसल में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी पैदावार और लंबे समय तक अपनी जो है पैदावार लेना चाहते हैं अपनी मिर्ची की फसल से, और प्लास्टिक मल्च को अगर सुरक्षित वापस निकालना चाहते हैं, तो प्लास्टिक मल्च आपको जो है अच्छी क्वालिटी की लेनी है, अच्छी कंपनी की लेनी है, और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है, ताकि 8-10 महीने तक आपकी प्लास्टिक मल्च जो है वो खराब ना हो। तो दोस्तों, अगर बताए गए तरीके से अगर आप इस माह में मिर्ची की अगेती खेती कर लेते हो, तो आपको जो है मिर्ची की खेती से काफी शानदार उत्पादन मिल जाएगा, और मंडी भाव अच्छे मिलने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है, अगर आप इस समय हरी मिर्ची की अगेती खेती कर लेते हो। दोस्तों, अपनी मिर्ची का अच्छा मंडी भाव लेने के लिए आपको अपने एरिया की मंडियों के हिसाब से ही आपको मिर्ची की वैरायटियों का चयन करना है। आपको देख लेना है कि आपकी मंडियों में किस तरह की मिर्ची की डिमांड ज्यादा है, उसी तरह की आपको जो है वैरायटियों का चयन करना है, क्योंकि काफी हर तरह की मिर्ची आती है, मोटी भी आती है, पतली भी आती है, और ज्यादा बारीक भी आती है, लंबी भी आती है, लंबाई जिनकी ज्यादा होती है कई मंडियों में उनकी डिमांड ज्यादा होती है, कुछ मंडियों में जो मोटी साइज में मिर्ची आती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है, कुछ मंडियों में जो बारीक मिर्ची आती है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तो आपको अपनी मंडियों में देखकर और उसके बाद में है जो है आपको मिर्ची की वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। यहां पर मैं आपको 2-3 वैरायटियों के बारे में भी बता देता हूं। यहां पर आप एक नंबर पे क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी आती है, अगर आपको मिल जाती है तो सबसे शानदार और सबसे अच्छी वैरायटी है, आप इसका चयन यहां पर कर सकते हैं। अगले नंबर पर जो है नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी आती है, जिसकी नर्सरी मैंने भी अभी डाली है, आप उस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। मैंने खुद जो है ओजस वैरायटी लगाई है, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, साइज भी अच्छी है इसकी, और जो इसकी लंबाई है वो भी काफी अच्छी मिल जाएगी आपको। तो आप यहां पे जो है नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। सेमिनस की उत्तल वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो, थोड़ी सी साइज में वो बारीक आएगी। अगर इस तरह की मिर्ची की डिमांड आपके एरिया में ज्यादा है तो आप सेमिनस की उत्तल भी लगा सकते हो। और एक और नई वैरायटी सीड प्रो कंपनी की लाशा वैरायटी, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, यहां पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हो। सीड प्रो कंपनी की लाशा वैरायटी और नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी, ये दोनों वैरायटी और एक सेमिनस की उत्तल वैरायटी, ये तीनों वैरायटी आपको जो है एग्रो स्टार एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगी, वहां से भी आप जो है इसका ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों, बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों को लगाकर आप अपनी मिर्ची की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।